जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में पुराने शहर में बाजारों के साथ साथ फुटपाथ तैयार किए जा रहे हैं, जिससे एनक्रोचमेंट पर रोक लगाई जा सके। परंतु लगातार देखने को मिल रहा है कि पुराने बाजार के दुकानदार प्रदर्शन पर है। पुरानी मंडी शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से भी आज स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किए जा रहे फुटपाथ के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इनका साफ तौर पर कहना था कि ये आला अधिकारी अपने दफ्तरों के बंद कमरों के अंदर फैसले लेते हैं और दुकानदारों या यहाँ की एसोसिएशन को समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इसी के चलते इन्होंने साफ किया कि ये फुटपाथ नहीं बनने देंगे। अगर फुटपाथ बनाने का प्रयास किया गया तो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेंगे। देखिए, जो ये प्रदर्शन है, ये जम्मू के लोगों को तंग करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। और मैं तो बड़ा सोच में है कि ये अपने दफ्तरों के अंदर बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। बाजारों की यूनियन है, प्रेसिडेंट है, सब है। आप आइए बाजारों में, लोगों के पास बैठिए। यही चीज बार बार एक प्रोटेस्ट हमने पहले भी दिया था और एक प्रोटेस्ट आज भी दे रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के साथ टकराएं। अगर आपको कुछ बनाना ही है तो मैं तो आपको कहूंगा अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा के इनको तारों का जाल दिखा दीजिए शहर के अंदर। इनको ये बता दीजिए कि जो ब्लैक टॉपिंग की हुई है उसके अंदर खड्डे दिखा दीजिएगा, गंदगी दिखा दीजिएगा। ये अंदर दफ्तरों के अंदर बैठ के कमीशनों के चक्कर में बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए सेंटर दे रहा है, अरबों रुपए के हिसाब से आ रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा है? आपने पकड़ंगा के अंदर बनाया, जैन बाजार के अंदर बनाया, आपने काम रोक दिया। और हम ये चाहते हैं कि जैसे वो काम रुका है, आपने गलती की है, उस गलती को दूर कर दीजिएगा। गलती सुधारने में तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपनी गलती सुधारिए और बंद कीजिए। रात को अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम बनती है, कुछ बनती, ना यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी जब आपके फुटपाथ बन जाएंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि कमीशनों के चक्कर से निकल के ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी को ओल्ड की तरह से डेवलप करें कि लोग आराम से आ जा सके। दी अर्थ न्यूज डेस्क के लिए जम्मू से सेवा की रिपोर्ट।